मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय चैनल गुड वाइब्स विद प्रीति में आपका वेलकम है। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज दिन की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ चालू हो गया है एक्सरसाइज, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी में। देखिए, जब आप किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं ना, तो आपको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा और सभी आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, सब आपके पीछे पड़ेंगे। यही सफल हो जाओगे ना, तो यही लोग कहेंगे, अरे हमको तो पता था, पहले से ही पता था, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। सफल होने के बाद याद आया, अरे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा सच में, पर जब मुझे मदद की ज़रूरत थी, प्रेम की ज़रूरत थी, हौसले की ज़रूरत थी, तब तो मेरे पीछे पड़े रहते थे कि अब कुछ ना कुछ होना जाना नहीं है, ज़बरदस्ती में परेशान है। दुनिया यही है, इनका काम ही है कहना, इनके भरोसे अपनी ज़िंदगी के फैसले कभी मत लीजिए। अच्छा करोगे तो भी कहेंगे और बुरा करोगे तो भी कहेंगे, दुनिया का काम ही है कहना। इसलिए हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे, हमें सफल होना है तो हम मेहनत करते रहेंगे। मेहनत का नाम ही है सफल होना। मेहनत नहीं करेंगे तो हम किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो हमें अपने हाथ पैर को बैठाना नहीं है, हमें अपने हाथ पैर को चलाना है, मेहनत करना है, कामयाबी को पाना है, वो किसी भी चीज़ में हो, एक्सरसाइज में हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो हमें मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर को हम एकदम से आराम दे देंगे ना, तो शरीर भी मेरा साथ छोड़ देगी। इसलिए हमें मेहनत, निरंतर मेहनत करते रहना है। मेहनत करने से कामयाबी भी आती है, और प्लस जो हमारे दिमाग की मेंटलिटी है ना, वो हमें, मेरा दिमाग कामों में लगा रहता है, तो मेरी फालतू की सोच, फालतू की माइंड में, दिमाग में ये सब बातें, फालतू की बातें नहीं आती हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हमको निरंतर मेहनत करते रहना है, और जो भी हो हमें अपना ख्याल रखना है। अब यहाँ देखिए, मैं स्किन केयर का भी काम के साथ साथ मैं स्किन केयर का भी कैसे ख्याल रखती हूँ। शहद लिया, नींबू लिया और उसमें मिला लिया कॉफ़ी पाउडर, और इससे अपने फेस पर पैक लगा लिया। ये रेगुलर कर लेती हूँ मैं, और बहुत अच्छे अच्छे पैक मुझे पता है, जो कि मैंने होम ब्यूटी का कोर्स किया है तो मुझे पता है, तो मैं बहुत अच्छी अच्छी देती रहती हूँ। बस जो भी आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके ही एक सब्सक्राइब से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, और आपके ही सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है, हमें प्यार मिलता है आगे कुछ कर पाने के लिए। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और मेहनत हम करेंगे, सपोर्ट आपको करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, और एक लाइक तो बनता ही, आप लोग लाइक कर दिया करो। तो यहाँ देखिए, छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने घर को मैनेज करते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बताऊंगी कि मैंने डाइट प्लान में अपने क्या यूज किया। तो ये मैंने यूज किया डाइट प्लान में, पपाया, और मैं सुबह खाली पेट ये पपाया ले लेती थी, तो इससे मेरा वेट लॉस में बहुत काम आया ये पपाया, और इससे वेट लॉस मेरा अधिक कम हुआ है। तो मैं सुबह नाश्ते में इसे ही यूज कर लेती हूँ। तो आप लोग भी नाश्ते में इसे यूज कीजिए, और वेट लॉस में काफ़ी फर्क पड़ेगा। अगर अपने ऊपर हौसला रखेंगे तो सब कुछ, वेट लॉस क्या है, सब कुछ चेंज होगा, और अगर हम अपने ऊपर ही नहीं भरोसा रखेंगे तो कैसे होगा। तो इस तरीके से हम अपने अपने वेट लॉस को कम किया, और मतलब मुझे थायराइड भी था, तो मैं सुबह एक गोली लेती थी थायराइड की, कई सालों से मुझे थायराइड था, तो मैं थायराइड की भी गोली लेती थी, और इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया। फिर वेट लॉस होने पर इतनी दिक्कतें होती हैं कि मुझे पता है कि जब वेट लॉस बढ़ जाता है, उसके बाद कितनी दिक्कतें होने चालू हो जाती हैं, हाथ पैरों में दर्द, थकान होना, थोड़ा सा काम कर लो बस थकान सी लगती है, तो जरा सा काम करने के बाद तुरंत थकान होने लगती थी। तो मैं इस तरीके से मैंने मैनेज किया। और अगर हम चाह लेंगे तो
क्या कुछ नहीं हो पाएगा, अगर हम नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है, कोई नहीं आएगा हमारी जिंदगी बदलने। जिंदगी आपकी है तो आपको ही बदलनी पड़ेगी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, तो मैंने अपना रूटीन चालू किया, एक्सरसाइज चालू किया, मुझे एक्सरसाइज पे पूरा विश्वास है। तो मैंने जब एक्सरसाइज चालू की तो मेरा ये वेट लॉस 68 kg से 55 पे आ गया, और वेट लॉस बहुत कम हुआ मेरा। तो मतलब अपने आप को खुद भी नहीं अच्छा लगता, जब वेट बढ़ जाता है तो फिर दिक्कतें भी होती हैं, और अपने आप को खुद भी नहीं अच्छा लगता है कि मतलब कितना शरीर हमारा ये हो गया है, मोटा हो गया है, अब हम कैसे लगेंगे। तो हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है और वेट लॉस अपने आप कम होगा। हाँ, डाइट में हमें सुबह नाश्ते में मैंने ये पपीता लिया। मैं ऐसा नहीं कि मैं खाना नहीं खाती थी, मैं खाना खाती थी, दोपहर में खाना खाती थी और सुबह भी मेरा जो नाश्ता रहता था मैं नाश्ता भी करती थी। हाँ, मैंने लेकिन रात का जो लंच, रात का जो डिनर का टाइम है वो मैंने स्किप कर दिया, वो मैं स्किप कर देती थी, इससे मेरा वेट लॉस कम हुआ। रात का खाना या फिर मैं जल्दी खा लेती थी और या तो फिर मैं जो है स्किप कर देती थी, तो इससे मेरा वेट लॉस कम हुआ है। रात के खाने को आप भी अवॉइड करिए तो आपका भी स्किप होगा, आप स्किप करिए तो आपका भी नॉर्मल हो जाएगा वेट। इस तरीके से मैंने अपना वेट कम किया। और जब हम किसी चीज़ को दिमाग में बैठा लेते हैं ना कि नहीं हमें अब ये करना है, अब हमें ये हासिल करना है, तो उसको आप ज़रूर हासिल कर पाएंगे। और जब आप किसी के बारे में सोचेंगे ही नहीं कि नहीं हम ये अब पहले से ही दिमाग में ले लेंगे कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर नहीं होता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपने दिमाग में जुनून लाना पड़ेगा कि नहीं अब मुझे ये करना है तो करना है। अब यहाँ देखिए, घर के सारे काम मैं खुद ही मैनेज कर लेती हूँ, मैं किसी से नहीं कहती हूँ कि कोई मेरा काम करे। जो भी काम होता है घर का मैं खुद से ही मैनेज करती हूँ, अपनी दम पर, अपनी मेहनत पर। मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करती हूँ, कोई कुछ भी बोले मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं निरंतर मेहनत करती रहती हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं ज़्यादा कुछ वीडियो में नहीं, मैं नहीं डाली हूँ, जो भी डाली हूँ बस कि मतलब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कतें होंगी, लोग देखते नहीं हैं, वॉश फुल वॉश नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैंने शॉर्टकट में पूरा वीडियो नहीं दिखा पाती हूँ। घर में मैं क्या क्या करती हूँ पूरा चीज़ें नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन हाँ जो मुझसे मैनेज हो सकता है, जो भी थोड़ी थोड़ी क्लिप में मैं दिखा सकती हूँ वो मैं दिखा पाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग सपोर्ट कर दिया करिए। देखिए ये ज़िंदगी है, ये तो चलती रहेगी, और ज़िंदगी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो निरंतर हमें कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। गलती हर इंसान से होती है, और गलती नहीं होगी तो हम आगे कुछ सीख नहीं पाएंगे, इसलिए हमें निरंतर कुछ ना कुछ आगे सीखते रहना चाहिए। तो आज मिलाते हैं अपने यूवी से। यूवी के संडे आज छुट्टी है तो यूवी आज घर पे हैं, यूवी की चोटी हो गई है, अब यूवी से मिलाते हैं। यूवी आप लोग से क्या बात करना चाहती हैं, बात करो यूवी। हाउ आर यू? अरे इधर तो देखो। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? अपने बारे में बताओ कुछ। पूरा दिन खेलती रहती हो? हाँ। तो पढ़ाई कब करती हो? आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछा करें, मैं बोलूंगी। तो इनसे क्वेश्चन पूछा करिए, ये जवाब देंगी, हमसे मत पूछिए। अब इनसे क्वेश्चन करिए, ये जवाब देंगी अब, ठीक है?